तो ईकॉम जंक्शन पे आपका फिर एक बार स्वागत है। आज मैं ईकॉम जंक्शन पर आपको अमेज़ॉन के बारे में बताऊंगा कि अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट जो आप लिस्ट करते हैं उसमें जो सर्च कीवर्ड आप यूज करते हैं वो कैसे यूज करेंगे। क्योंकि मेन अगर हम बात करें तो कैटलॉग होता है, कैटलॉग में जो सर्च कीवर्ड होते हैं वही अपने प्रोडक्ट को रैंकिंग करवाते हैं, वही अपने प्रोडक्ट को बूस्ट करवाते हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे सर्च कीवर्ड डालेंगे जो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। और बायर देखो, घुमा फिरा के बात इतनी होती है कि बायर जो होता है किस थिंकिंग से बायर सोच सकता है, बायर किस हिसाब से सर्च कर सकता है, वो हमें डालना होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको किस किस शब्दों से लोग बाग उन्हें सर्च कर सकते हैं बायर पोर्टल पे। तो सर्च कीवर्ड डालने के लिए हम परफेक्ट गाइडलाइन के यूज करते हुए अपने अकाउंट में सर्च कीवर्ड डाल देंगे। तो कैसे डालेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि मेरा ये अगर मैं बात करूँ तो 3-पीस सेट है जिसमें कुर्ती, दुपट्टा और प्लाजो तीनों चीज़ मैं साथ में दे रहा हूँ, पैंट सॉरी। तो देखिए कैसे सर्च कीवर्ड बन सकते हैं 3-पीस सेट, ठीक है 3-पीस सेट। एक बार हम इसे हटा देते हैं तो कैसे आपको बनाने होंगे, वो ऐसे बनाने होंगे देखिए कि लोग बाग जिसे सर्च करें तो कर सकते हैं 3-पीस सेट, 3-पीस कुर्ती सेट। दूसरा, हाँ एक ध्यान रखें कि आप अपने सर्च कीवर्ड में ऐसे कोमा या ब्रैकेट या किसी भी टाइप का सिंबल नहीं डालेंगे, ओनली सिंगल स्पेस डालेंगे। क्योंकि अमेज़न की गाइडलाइन कहती है कि आप सर्च कीवर्ड डालते समय ओनली सिंगल स्पेस का यूज करें। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी बायर बायर पोर्टल पर सर्च करता है तो ना वो सिंबल डालेगा ना वो डबल स्पेस डालेगा, नॉर्मली सिंगल स्पेस डालेगा। और हाँ, सभी वर्डों को स्मॉल वर्ड में लिखे, न कि कैपिटल वर्ड में। तो देखिए दूसरा, अगर मैं डालूँगा तो क्या डालूँगा, प्रिंटेड कुर्ती विद प्लाजो या पैंट्स और दुपट्टा अगर मुझे डालना है तो मैं दूसरा वर्ड डालूँगा, कुर्ता विद दुपट्टा। और भी अगर डालने हो तो जैसे फैब्रिक आपका क्या है तो फैब्रिक डाल दिया, फैब्रिक रेयन की कुर्ती है जैसा भी कुर्ती सेट। कलर डाल दिया आपने ब्लू कलर, एथनिक सेट, ट्रेडिशनल सेट। इस टाइप से आपको सर्च कीवर्ड डालने हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा ये क्या बूस्ट होने में फ़ायदा होगा। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। वैसे मैं एग्जांपल दिखाई देता हूँ आपको। अगर मैं ये सर्च कीवर्ड यहाँ डालता हूँ 3-पीस कुर्ती सेट, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या आते हैं। ये देखिए जैसा मैंने डाला था वैसे सर्च कीवर्ड आ गया है। माना कि अपनी लिस्टिंग नहीं आई, क्यों? क्योंकि उसकी अभी विजिबिलिटी इतनी नहीं है जितनी कि इन लिस्टिंगों की है। तो रिलेटेड जो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं उन्हीं का आप उसमें सर्च कीवर्ड डालें, उससे क्या रैंक बढ़ती है, प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ती है। और एक बात, आप यहाँ से भी आप अपने प्रोडक्ट के लिए सर्च कीवर्ड निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर कुर्ती की डाल रहे हैं तो कुर्ती के सर्च कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कुर्ती फॉर वुमेन हो सकता है, कुर्ती हो सकता है कुर्ती सेट विद दुपट्टा फॉर वुमेन, कुर्ती सेट ये स्टाइलिश लेटेस्ट कुर्ती, कुर्ती पैंट सेट, कुर्ती गर्ल, ठीक है इस टाइप से। अब अगर लगता है और आप सिमिलर्स के देखिए कुर्ता सेट, कुर्ता पजामा सेट, आप बायर पोर्टल पे जाके यहाँ से सर्च करके भी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च कीवर्ड निकाल सकते हैं, जिससे कि आपके प्रोडक्ट बूस्ट होगा, जिससे आपकी सेल बूस्ट होगी। और अगर आपकी सेल बूस्ट होगी तो आपको डेफिनेटली ऑर्डर भी ज़्यादा आएंगे। और जहाँ भी आप डालें, देखिए पूरा कैटलॉग ही अपना डिपेंड करता है कि आप किस लेवल से बना रहे हैं। तो सर्च कीवर्ड डालते समय आपको इन बातों का ध्यान रखें जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसी बातों को यूज ना करें, ऐसे कीवर्ड यूज ना करें जो कीवर्ड आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ना हो। आपको वही कीवर्ड यूज करना है जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट फ्लेयर्ड है तो आप फ्लेयर्ड यहाँ पर लिख देंगे, फ्लेयर्ड कुर्ता सेट। और ध्यान रखें कि ज़्यादातर वर्ड आप रिपीट ना करें, इसमें
नॉर्मली आप रिपीट करें, जैसे कुर्ता कुर्ती कुर्तीज कुर्ताज, इस टाइप से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कई वर्डों में कुर्ती लिखी है, किसी में कुर्ताज लिख दिया, किसी में कुर्ती लिख दिया, आपको भी इसी हिसाब से आपके प्रोडक्ट पर हैं जो सर्च कीवर्ड हैं वो अपडेट करने हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए ईकॉम जंक्शन पर। मैं ईकॉम जंक्शन पर आपको इसी टाइप से अलग अलग वीडियो लाते जाऊँगा जिससे आपकी सेल बूस्ट होगी। तो थैंक यू दोस्तों।